राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने मालीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो एक के बाद एक वीडियो जारी करके मालीवाल के आरोपों को साफ झूठ बता रही है। दूसरी ओर बीजेपी संजय सिंह के 14 मई के बयान का जिक्र कर आम आदमी पार्टी पर सुर बदलने का आरोप लगा रही है। बीजेपी एक मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र करके आम आदमी पार्टी को घेर रही है। चलिए आपको दोनों पक्षों के वार पलटवार से रूबरू करा देते हैं, साथ ही मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो भी विस्तार से बताएंगे। बात आम आदमी पार्टी की करें तो उसने 17 मई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और मालीवाल पर पुलिसकर्मियों और केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को धमकाने का आरोप लगाया। इसके बाद 18 मई को आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो को सीएम आवास के गेट का सीसीटीवी वीडियो बताया गया। आप नेता अतिशी ने इन वीडियो के आधार पर मालीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सुनिए अतिशी का बयान। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से, जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर वन, आप सब जानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म्यूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के बारे में केस था। यह केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर कहा, जब किसी को चोट लगती है या सड़क पर कोई भी गिरता है तो उस वक्त तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है, बाद में देर शाम अगले दिन तक चोट वाला हिस्सा अकड़ता है, चलने में मुश्किल होती है। स्वाति को केवल शरीर में चोट नहीं लगी, सम्मान पर भी लगी।
ये कहना कि तब सीधे चल रही थी, बाद में कैसे चलने में मुश्किल, ये कुटिलता है। मेडिकल रिपोर्ट ने सब सच सामने ला दिया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान मिले हैं। सुनिए पूनावाला का बयान। हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा 13 से 18 मई का घटनाक्रम जो हुआ है। 13 मई सुबह 9 बजे जब यह घटना घटती है, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के निवास पर 13 मई से आज 18 मई आ चुका है। इसमें आप देखें कि क्या क्या फेजेस हुए। 7 फेज के इलेक्शन हैं, इनका 4 फेज का रिस्पांस है। ये रिस्पांस क्या है? पहले साइलेंस, 72 घंटों तक साइलेंस रखना है। फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजय सिंह ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है कि हाँ ये हुआ तो था, विभव कुमार ने किया तो था, अभद्रता की तो थी। फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ, लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। पूरा ब्रेजन डिफेंस किया जा रहा था इस व्यक्ति का, जिसने आधुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया। और उस चीरहरण की सारी सारी डिटेल्स आपने FIR में भी देखी है, आप ही लोगों के चैनल्स में बताया गया है FIR में क्या क्या सामने निकल कर आया है। 7-8 बार किसी को पीटना, मुंह पर मारना, छाती पर मारना, टी शर्ट उतारना, प्रयास करना इसका। एक महिला पीरियड से है तब भी उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव करना। फिर आज आप ही के चैनल्स पे, क्योंकि आप तो जानते हो मैं आपसे ही निकला हूं बीच में से, मैं तो देखते रहता हूं 24 घंटा आप चलाते हैं, आज आपने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है स्वाति मालीवाल की, उसमें 5 वुंड के बारे में भी बात की गई है, आप लोगों ने ही बताया है। ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग डोर्सल, ब्रूज ओवर राइट चीक, बिलो राइट आई, ये सब मीडिया ने ही दिखाया है। 164 का भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं होता। एक महिला अगर 164 का बयान दर्ज करवा रही है तो ये गंभीर विषय है। बीजेपी आप नेता संजय सिंह के उस बयान का भी जिक्र कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभव कुमार ने मालीवाल से अभद्रता और बदसलूकी की। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है।
और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं, पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं, हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मालीवाल के आरोपों की। तो मालीवाल के मुताबिक घटना वाले दिन वो केजरीवाल के आवास पर गई थी और ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। मालीवाल ने बताया, स्टाफ के एक सदस्य ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। अचानक सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। उन्होंने बिना किसी उकसावे के चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गालियां भी देना शुरू कर दिया। मैं इससे स्तब्ध रह गई। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारा। वो मुझ पर झपटे, मुझे बेरहमी से खींचा और जानबूझकर मेरी शर्ट खींची। मालीवाल के मुताबिक विभव कुमार ने उनकी छाती, पेट और संवेदनशील हिस्से पर लात मारकर हमला किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच स्वाति मालीवाल की सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है।